15 अगस्त का स्मरण करते हुए हमको एक बात भूलनी नहीं है, देश को स्वाधीनता मिली लेकिन देश का एक हिस्सा हमसे छूट गया, वो आज हमारे पास नहीं है। हमारी मजबूरी है, वो आज हमारे पास नहीं है। आज हम उस भाव से बाहर नहीं जा सकते, वो अपने आप को भारत नहीं कह सकते। उन क्षेत्रों में अपने पूर्वजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया। ये जो 5000 वर्ष की, 10000 वर्ष की, लाखों वर्ष की अपनी भारतीय संस्कृति का गर्व करते हैं, उस क्षेत्र का भी योगदान उतना ही बड़ा था, उसका योगदान उस क्षेत्र का कम नहीं था। देश की स्वाधीनता के अंदर उस क्षेत्र के लोगों ने भी अद्भुत बलिदान दिया, वो आज हमारे पास नहीं है, हमसे छूट गया। उसको भूलना नहीं है, उसको विस्मृत नहीं होने देना। वो 14 अगस्त को जो घटना घटी, वो जो विभाजन की विभीषिका भारत के इतिहास में दर्ज हो गई, एक भी क्षण उसकी स्मृति हमसे जानी नहीं चाहिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे ये स्मृति धूमिल नहीं हो। विभाजन की स्मृतियां उस कालखंड में जो हमको बलिदान करने पड़े, हमारे जो परिवारों के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उन सबको जो उस समय भुगतना पड़ा, उसकी स्मृतियों को पक्का करते रहना, वो गहराते जाना, उसको धूमिल नहीं होने देना। और जो क्षेत्र छूट गए, उन क्षेत्रों की स्मृति भी अपने मन के अंदर, उनको प्राप्त करने की तड़प ये भी लगातार बढ़ती जानी चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, उनकी कविता है, 15 अगस्त का दिन कैसा, आजादी अभी अधूरी है। वो कहा करते थे, आजादी का पर्व कब होगा, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। ये जो दिन है जो छूट गए, वो लोग उनको भूलना नहीं है, वो क्षेत्र उनको भूलना नहीं है, उनको प्राप्त करने का भाव मन के अंदर रहना चाहिए। आज जब आने वाले 25 वर्ष का हम संकल्प कर रहे हैं, अपना समाज एकात्म समाज के रूप में खड़ा हो, सुगठित समाज के रूप में खड़ा हो, स्व के आधार पर खड़ा हो, और अपने वो क्षेत्र जो छूट गए उनकी इच्छा तड़प और समय के साथ बढ़ती चली जाए, वो कारण जिसके कारण से विभाजन हुआ उसको कभी भूलना नहीं, और विभाजन की विभीषिका में जो हमको भुगतना पड़ा, धीरे धीरे करके वो तड़प, ये कसक हमारे काम की, जीवन की प्रेरणा बनेगी। और ये तीनों बातें आने वाले 25 साल में प्राप्त करनी है, तो स्वाधीनता सेनानियों की जो भावना थी, उस भावना को हमको कभी मिटने नहीं देना।